वेलकम टू दिस क्लास ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फॉर बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर प्रिया सोलोमन, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एट गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के लेक्चर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा जनरेटिंग फंक्शंस। ये लेक्चर इस टॉपिक पे डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट है। आज हम जनरेटिंग फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और न्यूमेरिक फंक्शंस के जनरेटिंग फंक्शंस कैसे निकाले जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन डिफाइन किया था और देखा था कि कोई भी फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ होल नंबर्स, दैट इज दिस सेट 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी हो, वो फंक्शन कहलाता है डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। तो अ फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स विल बी कॉल्ड अ डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके भी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। हर एक न्यूमेरिक फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ होल नंबर्स ही होती है, तो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स रेंज। रेंज वैल्यूज को अगर इस तरीके से लिस्ट कर दिया जाए, वेर a0 इज इक्वल टू f0, a1 इज इक्वल टू f1, a2 इज इक्वल टू f2 एंड सो ऑन, तो ये न्यूमेरिक फंक्शंस इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। न्यूमेरिक फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन फार्मूला से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ar को अगर हम फार्मूला r² + 1 से रिप्रेजेंट करें फॉर ऑल r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो a0 हो जाएगा 0² + 1, दैट इज इक्वल टू 1, a1 हो जाएगा 1² + 1, दैट इज इक्वल टू 2, a2 विल बी इक्वल टू 2² + 1, दैट इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन फार्मूला, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन फार्मूला भी न्यूमेरिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने में यूज हो सकता है। अब हम डिफाइन करेंगे जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ न्यूमेरिक फंक्शंस। तो अगर आपका न्यूमेरिक फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसके जनरेटिंग फंक्शन को ए जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेर ए जेड इज दिस इनफाइनाइट सीरीज a0 z^0, a1 z^1, a2 z^2। इस तरीके से आप कंटिन्यू करिए, ar z^r एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज आ रही है डिनोटेड बाय az, ये होता है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन विच इज गिवन बाय दीज वैल्यूज। अब हम देखेंगे कि न्यूमेरिक फंक्शंस के जनरेटिंग फंक्शंस किस तरह से निकाले जाते हैं। तो मान लीजिए a कोई न्यूमेरिक फंक्शन है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रेंज वैल्यूज़ जो यहाँ पर लिस्ट की गई हैं। अगर हमें इस न्यूमेरिक फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन निकालना है व्हेन दिस जनरल टर्म ar इज़ गिवन, तो वो किस तरीके से निकाला जाएगा वो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं, अगर जनरल टर्म ar इज़ इक्वल टू 1, तो जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय दिस फार्मूला, az इज a0 z^0 प्लस a1 z^1 एक्सेट्रा अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर क्योंकि ar कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, दैट इज इक्वल टू 1, तो a0 a1 a2 ar ऑल दीज वैल्यूज विल बी इक्वल टू 1। आप इनकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो पहली टर्म हो जाएगी 1 × z^0, दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड टर्म आएगी 1 × z^1, देन यू गेट 1 × z^2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये आपकी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई विद कॉमन रेशियो इक्वल टू z। तो इसका सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - कॉमन रेशियो, तो ये 1/(1 - z) ये आपका न्यूमेरिक फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जनरल टर्म ar इज इक्वल टू r हो, तो हम जनरेटिंग फंक्शन का यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें ar इज इक्वल टू r है, इसलिए a0 विल बी इक्वल टू 0, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 0,
ए वन विल बी इक्वल टू वन, तो ये हो गया वन इंटू जेड टू द पावर वन. ए टू इज इक्वल टू टू, तो यू गेट टू जेड स्क्वेयर. अगली टर्म थ्री जेड क्यूब एंड फोर जेड टू द पावर फोर इस तरीके से आएंगी एंड ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होंगी. अब ये जो आपका ए जेड आया है इसकी हर एक टर्म को हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू गेट जेड मल्टीप्लाइड बाय ए जेड. अब जब आप हर एक टर्म को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए टर्म जेड से मल्टीप्लाई होना शुरू होंगी, तो ये इसको आप जब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वेयर वाली टर्म आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड क्यूब की टर्म आएगी एंड सो ऑन. तो जो जेड स्क्वेयर वाली टर्म आ रही है हम इसकी जेड स्क्वेयर वाली टर्म के नीचे लिख रहे हैं, तो इसको जेड से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, इसको जेड से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है एंड सो ऑन. तो ये हो गया आपका जेड मल्टीप्लाइड बाय ए जेड. अब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी वन माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय ए जेड. राइट हैंड साइड पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए ये फर्स्ट टर्म एज सच लिखी हुई है, जेड स्क्वेयर वाली दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू माइनस वन विल गिव यू वन जेड स्क्वेयर. देन थ्री माइनस टू विल गिव यू वन जेड क्यूब. फोर माइनस थ्री विल गिव यू वन जेड टू द पावर फोर एंड सो ऑन. वंस अगेन ये आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है. फर्स्ट टर्म इसमें जेड है, कॉमन रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू जेड, तो इसका सम हो जाएगा जेड अपॉन वन माइनस जेड. अब हम क्योंकि ए जेड निकालने में इंटरेस्टेड हैं, इस वन माइनस जेड को भी आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दीजिए तो ए जेड विल बी इक्वल टू जेड अपॉन वन माइनस जेड होल स्क्वेयर. तो ये आपका जनरेटिंग फंक्शन आ गया व्हेन ए आर इज इक्वल टू आर. नेक्स्ट हम उस न्यूमेरिक फंक्शन के लिए जनरेटिंग फंक्शन डिराइव करेंगे जिसकी जनरल टर्म ए आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर हो. तो जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय दिस इनफाइनाइट सीरीज. इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले से, तो देखिए ए जीरो विल बी इक्वल टू जीरो, ए वन इज इक्वल टू वन स्क्वेयर, तो ये हमने वन स्क्वेयर जेड टू द पावर वन लिखा. ए टू हो जाएगा टू स्क्वेयर, तो नेक्स्ट टर्म आएगी टू स्क्वेयर जेड स्क्वेयर. देन अगली टर्म होगी थ्री स्क्वेयर जेड क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो ये आपके पास इनफाइनाइट सीरीज हो गई, वन स्क्वेयर जेड, टू स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, थ्री स्क्वेयर जेड क्यूब एंड सो ऑन. इसको हम वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब आप देखिए वन अपॉन वन माइनस जेड, दिस इज वन माइनस जेड टू द पावर माइनस वन. इसका आप बाइनोमियल एक्सपांशन कर दें तो ये वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये इसका एक्सपांशन होगा. अब इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में विथ रेस्पेक्ट टू जेड आप डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको मिलेगा वन अपॉन वन माइनस जेड होल स्क्वेयर. राइट हैंड साइड में देखिए अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वन का डिफरेंशियल ज़ीरो आएगा. जेड टू द पावर वन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी वन. फिर जेड स्क्वेयर को डिफरेंशिएट किया यू गेट टू जेड. जेड क्यूब को डिफरेंशिएट करने पे यू गेट थ्री जेड स्क्वेयर एंड सो ऑन. यहाँ पर आप दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जेड से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज जेड अपॉन वन माइनस जेड होल स्क्वेयर. राइट हैंड साइड में हर एक टर्म को देखिए जेड से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है. अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है इसे वंस अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जेड. तो लेफ्ट हैंड साइड को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए ये आपके पास आ रहा है डिनोमिनेटर का होल स्क्वेयर. फिर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर दैट इज इक्वल टू वन एंड माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर करने से ये टर्म आपके पास आ जाएगी. राइट हैंड साइड में देखिए जेड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वन आएगा. टू जेड स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करने पे टू जेड आएगा. एक टू यहाँ ऑलरेडी है तो यू गेट टू स्क्वेयर इंटू जेड. फिर यहाँ जेड क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो थ्री जेड स्क्वेयर आएगा. इस थ्री के साथ वो डिफरेंशिएशन पर मिलने वाला थ्री कंबाइन होके
आपको 3² z² मिल जाएगा एंड इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में से 1 - z कॉमन निकालने के बाद आपके पास 1+z बच जाएगा, डिनोमिनेटर इज 1 - z^4। 1 - z कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट 1+z/(1 - z³) और ये राइट हैंड साइड आपकी एज सच है। अब यहाँ पर वंस अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसे आप z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट दिस टर्म, और राइट हैंड साइड की हर एक टर्म को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा z, फिर 2² z², 3² z³ एंड सो ऑन। तो ये टर्म्स आपके पास आ गई z, देन 2² z², 3² z³ एंड सो ऑन। अब ये जो z है इसे भी आप सिमेट्री के लिए 1² z^1, देन 2² z^2, इस तरह से हम इन टर्म्स को लिख सकते हैं। अब आप रिलेशन नंबर 1 को यूज़ करिए, तो 1 में देखिए राइट हैंड साइड यही थी आपके पास 1² z, देन 2² z², 3² z³ जो कि हमें यहाँ पर मिल गई है। इसलिए हम कह सकते हैं रिलेशन 1 को यूज़ करने के बाद ये जो आपका जनरेटिंग फंक्शन था az, तो az विच वॉज इक्वल टू दिस इनफाइनाइट सीरीज, अब ये हो गया है आपका इसके बराबर, दैट इज z इंटू 1+z अपॉन 1 - z³। तो ये आपका जनरेटिंग फंक्शन होगा व्हेन ar इज इक्वल टू r². नेक्स्ट एग्जांपल में हम जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे व्हेन ar इज r इंटू r+1। तो जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय दिस इनफाइनाइट सीरीज, यहाँ हम ar का फॉर्मूला यूज़ करते हुए ये a0, a1, a2 एक्सेट्रा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए a0 के लिए आप r इज इक्वल टू 0 लेंगे तो a0 इज इक्वल टू 0, फिर r इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो a1 विल बी इक्वल टू 1 × 2, तो ये हमने a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है 1 × 2 z^1। a2 के लिए r इज इक्वल टू 2 लेंगे तो a2 हो जाएगा 2 × 3, तो ये a2 सब्स्टिट्यूट किया है 2 × 3 z² एंड इस तरीके से आप इन्फिनिटी तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई है, तो az में जो टर्म्स हैं यहाँ से शुरू होंगी और इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होंगी, तो ये हमने az की वेरियस टर्म्स लिखी हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आप z से मल्टीप्लाई कर दें तो z × az विल बी इक्वल टू, देखिए अब ये टर्म z से मल्टीप्लाई होगी तो z² की टर्म आएगी जिसे हमने इस z² वाली टर्म के नीचे लिखा है, तो इसको z से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, इसको z से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है एंड सो ऑन। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों को तो 1 - z az विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखिए ये टर्म एज सच आ जाएगी 1 × 2 z, z² वाली टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ से आएगा 3 - 1, दैट इज़ अगेन इक्वल टू 2, तो ये 2 कॉमन निकलने के बाद 3 - 1 से भी 2 मिल रहा है z². अगली टर्म में ये 3 कॉमन निकलेगा और 4 - 2 से आपको 2 मिल जाएगा, तो यू गेट 3 एंड 4 - 2 से ये 2 मिला है × z³ एंड सो ऑन। अब ये जो सीरीज आई है इस पूरे में से 2z कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो 1 + 2z + 3z² एक्सेट्रा ये बच जाएगा अंदर, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी थी इस सम को हम s से रिप्रेजेंट करें तो ये s इज 1 + 2z + 3z² एंड सो ऑन। s निकालने के लिए हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर किया था, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को आप z से मल्टीप्लाई कर दें और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखें तो z × s ये हो जाएगा, ये 1 को z से मल्टीप्लाई किया, इसको z से मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी सीरीज आ गई। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें
तो वन माइनस जेड इंटू एस विल बी इक्वल टू वन, फिर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से जेड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये आपकी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है विथ फर्स्ट टर्म वन एंड कॉमन रेशियो जेड, इसलिए इसका सम हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस जेड। हम एस निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वन माइनस जेड को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो एस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास वन अपॉन वन माइनस जेड होल स्क्वायर। ये हो गया आपका रिलेशन नंबर टू। अब ये जो वैल्यू आई है आपके एस की, ये इसके बराबर है, दिस वॉज इक्वल टू, इसी को हमने एस सपोज किया था। अब इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं रिलेशन नंबर वन में, तो रिलेशन वन की ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज़ टू जेड मल्टीप्लाइड बाय एस, एंड एस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा टू जेड अपॉन वन माइनस जेड होल स्क्वायर। हमें ए जेड निकालना है तो इस वन माइनस जेड को आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो ए जेड हो जाएगा टू जेड अपॉन वन माइनस जेड होल क्यूब, और ये आपका रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा व्हेन ए आर इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस वन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए अगर ए आर इज इक्वल टू एन सी आर हो तो जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय दिस इनफाइनाइट सीरीज। यहाँ आप सक्सेसिव वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए यूजिंग दिस रिलेशन ए आर इज इक्वल टू एन सी आर, तो ए ज़ीरो हो जाएगा एन सी ज़ीरो, ए वन विल बी इक्वल टू एन सी वन, ए टू विल बी इक्वल टू एन सी टू एंड सो ऑन। तो एन सी ज़ीरो जेड टू द पावर ज़ीरो, एन सी वन जेड टू द पावर वन, एन सी टू जेड टू द पावर टू एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू हो रहा है। बाइनोमियल थ्योरम को आप यूज़ कर लें तो ये होता है वन प्लस जेड टू द पावर एन। तो इस केस में जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा वन प्लस जेड टू द पावर एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर ए आर अल्फा टू द पावर आर के बराबर हो तो ये जो आपका जनरेटिंग फंक्शन के लिए इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास है, इसमें सक्सेसिव वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ए ज़ीरो विल बी अल्फ़ा टू द पावर ज़ीरो, ए वन विल बी अल्फ़ा टू द पावर वन, ए टू अल्फ़ा टू द पावर टू होगा एंड सो ऑन। अब अल्फ़ा टू द पावर ज़ीरो एंड जेड टू द पावर ज़ीरो विल गिव यू वन। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी अल्फ़ा जेड, दिस इज अल्फ़ा जेड होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है जिसकी फर्स्ट टर्म वन है एंड कॉमन रेशियो अल्फ़ा जेड है, इसलिए इसका सम हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस अल्फ़ा जेड, और ये आपका जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा व्हेन ए आर इज इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर आर। अब ये जो हमने छः रिजल्ट्स डिराइव किए हैं इनको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालना है फॉर द न्यूमेरिक फंक्शन जिसकी वैल्यूज इस तरीके से लिस्ट की गई हैं। फर्स्ट वैल्यू है 0 इंटू वन, देन 1 इंटू टू, 2 इंटू थ्री, 3 इंटू फोर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इज़ एक्चुअली ए ज़ीरो, ये ए वन है, दिस इज़ ए टू एंड ए थ्री एंड सो ऑन। अब इन वैल्यूज़ को अगर आप जनरलाइज करें तो ए आर विल बी इक्वल टू आर इंटू आर प्लस वन, एंड जब ए आर इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस वन होता है उसके लिए हम जनरेटिंग फंक्शन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो ये वही प्रॉब्लम है पुट अप इन अ डिफरेंट फॉर्म। तो यहाँ हमको न्यूमेरिक फंक्शन एज अ फॉर्मूला नहीं देके इसकी वैल्यूज लिस्ट की गई हैं, तो सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से पुट अप किया गया है। तो जैसे हमने ए आर इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस वन के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से, वही प्रॉब्लम है ये, तो सॉल्यूशन भी उसी तरीके से निकलेगा। और ये आपका न्यूमेरिक फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन जो है, जैसे हमने पहले डिराइव किया था, ये 2z अपॉन 1 माइनस z क्यूब के बराबर आ जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालना है फॉर द न्यूमेरिक फंक्शन ar
दैट इज इक्वल टू 2r + 3. अब जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय दिस इनफाइनाइट सीरीज. अब यहाँ हम a0, a1, a2 एक्सेट्रा की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो जब आप r इज इक्वल टू 0 लेंगे, a0 विल बी इक्वल टू 3. तो ये a0 इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया है. नेक्स्ट आप इस रिलेशन में r इज इक्वल टू 1 ले लें तो a1 विल बी इक्वल टू 5. तो ये a1 इज इक्वल टू 5. इसी तरीके से a2 विल बी इक्वल टू 7 एंड सो ऑन. तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी हैं. अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड को z से आप मल्टीप्लाई करिए. ये z से मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक तब यूज़ की जाती है जब यहाँ जो ये कोफिशेंट्स आ रहे हैं 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो. तो ये z से हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड z हो गई. अब इसको आप z से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, इसको z से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है एंड सो ऑन. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को तो 1 - z a z विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म एज सच आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 3. फिर 5 - 3 z विल गिव यू 2z. 7 - 5 z² विल गिव यू 2z² एंड सो ऑन. अब इसमें राइट हैंड साइड में 3 को अलग छोड़ दें तो बाकी सारी टर्म्स में से 2z कॉमन निकल रहा है. इसको अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 1 + z + z² एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ये बच जाएगा, विच इज़ अ जोमेट्रिक सीरीज विथ फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो z. तो इसका सम हो जाएगा 1/1 - z. तो यू गेट 3 + 2z एंड ये सम हो जाएगा 1/1 - z. तो ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा. अब हमें az निकालना है तो इस 1 - z को आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए तो az हो जाएगा 3/1 - z देन 2z/1 - z² यहाँ LCM 1 - z² हो जाएगा. और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यू गेट 3 - z/1 - z² ये आपका रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा फॉर द न्यूमेरिक फंक्शन AR इज इक्वल टू 2r + 3. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालना है फॉर द न्यूमेरिक फंक्शन AR इज इक्वल टू r + 4 CR. अब जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय दिस इनफाइनाइट सीरीज. यहाँ हम a0, a1, a2 एक्सेट्रा को निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. तो देखिए यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4C0, इसलिए a0 इज इक्वल टू 4C0. r इज इक्वल टू 1 रखे यहाँ तो ये हो जाएगा 5C1, तो a1 इज इक्वल टू 5C1. इसी तरीके से r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो a2 इज इक्वल टू 6C2 एंड सो ऑन. अब यहाँ पर 4C0 इज 1 एंड z टू द पावर 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो ये फर्स्ट टर्म आपकी 1 हो गई. अब 5C1 इज इक्वल टू 5, तो अगली टर्म हो जाएगी 5z. फिर 6C2 की वैल्यू लिखिए तो ये हो जाएगा 6 × 5/1 × 2z². 7C3 दिस इज 7 × 6 × 5/1 × 2 × 3z³. एंड इस तरह से आप इन्फिनिटी तक कंटिन्यू कर सकते हैं. अब आप देखिए 1 + 5z हमने एज सच लिखे हैं. अब ये न्यूमरेटर में जो 6 × 5 था इसमें से 5 को एज सच रखा है, 6 को हम लिख सकते हैं 5 + 1. नीचे डिनोमिनेटर में जो 1 × 2 था दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2. तो ये हो गया 5 × 5 + 1/(2z²). अगली टर्म में देखिए 5 × 6 × 7 जो है इसको हमने लिखा है 5, देन 6 को 5 + 1, 7 को 5 + 2, और नीचे 1 × 2 × 3 था डिनोमिनेटर में दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3. तो ये आपकी अगली टर्म आ गई. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सक्सेसिव टर्म्स में नंबर्स बढ़ रहे हैं
तो जब आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे दैट मींस ये पावर नेगेटिव आना चाहिए, और क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर क्योंकि पावर नेगेटिव है अंदर भी आपके नेगेटिव साइन आएगा. तो दिस इज़ वन माइनस जेड टू द पावर माइनस फाइव यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. तो ये आपका जेनरेटिंग फंक्शन आ गया है व्हेन ए आर इज इक्वल टू आर प्लस फोर सी आर. देन जेनरेटिंग फंक्शन इज वन माइनस जेड टू द पावर माइनस फाइव. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें ए आर दे रखा है वन अपॉन फैक्टोरियल आर प्लस वन. जेनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए ये जेनरेटिंग फंक्शन के लिए ये इनफाइनाइट सीरीज यूज़ करेंगे और इसमें ए ज़ीरो ए वन ए टू एक्सेट्रा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो आर इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो ए ज़ीरो इज वन अपॉन फैक्टोरियल वन जो यहाँ लिखा है. आर को आप वन रखिए तो ए वन आ जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल टू. आर को टू रखेंगे तो ए टू इज़ वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन. अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को जेड से मल्टीप्लाई कर दें तो जेड ए जेड विल बी इक्वल टू जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन विच इज ई टू द पावर जेड माइनस वन. इस जेड को आप राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर दें तो ये आपका रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा दैट इज ई टू द पावर जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय जेड. आज के लेक्चर में हमने वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू देखा कि अगर आपको न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ हो तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शन कैसे डिराइव किया जाता है. लेक्चर के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ हो तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक फंक्शन कैसे निकाला जा सकता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.